नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और नई भर्ती का अपडेट दोस्तों लेकर आ चुके हैं। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो का हमने एक बार पहले भी अपडेट दे दिया था जब फर्स्ट टाइम इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। और इस बार जो हम नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं वो भी दोस्तों शॉर्ट ही है, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा पोस्ट में इन्होंने चेंज कर दिया है। वो किस कारण किया है वो भी आपको पूरी वीडियो में बताएंगे, और कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और क्या इनकी एंड डेट रहने वाली है, कौन कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में तो अभी नहीं दिखने वाली, लेकिन हमने जहाँ से हमारे पास नोटिफिकेशन आई है वहाँ से हमने पता किया है। तो उन्होंने क्वालिफिकेशन भी बता दी है, वैकेंसियाँ बता दी है। वैकेंसियाँ तो आपको जो नोटिफिकेशन पर देखने को मिली जाएंगी, लेकिन वीडियो का अंतर जोर से देखिएगा, पूरा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस नए अपडेट के बारे में कि क्या इन्होंने क्या कुछ इन्होंने पिछले बार नोटिफिकेशन में था और क्या कुछ इन्होंने चेंज किया है, वो पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। ये रहा दोस्तों वो नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जो हमारे पास अभी लेटेस्ट वाला आया है, और इस पर आप देख सकते हैं इन्होंने जो चेंज किया है दोस्तों वो है ट्रेड्समैन मेड की तो पोस्ट है ही है इसमें देखने को मिल रही है, जो कि पिछले नोटिफिकेशन में भी थी, और फायरमैन की भी आपको पोस्ट देखने को मिल रही है, ये पिछले नोटिफिकेशन में भी थी। लेकिन इन्होंने जो अभी नए निकाले वो जीओ की पोस्ट इन्होंने हटा दी, और उसकी जगह एमए की इन्होंने ये पोस्ट नहीं डाल दी है। इसमें मटेरियल असिस्टेंट करके इन्होंने ये नई पोस्ट डाली है, और इसमें टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो दोस्तों 419 इन्होंने शो की हैं। और बता दें तो 171 इन्होंने जनरल में जनरल कैटेगरी के लिए रखी हैं, 42 इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं, 113 इन्होंने ओबीसी के लिए हैं, 62 इन्होंने एससी के लिए हैं, और 31 जो एसटी कैंडिडेट के लिए इन्होंने वो जो वैकेंसियां हैं दोस्तों ये इन्होंने बांट दिया। लेकिन एमए की जगह पहले जो आपको पोस्ट देखने को मिली थी वो थी जीओई की, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। मेरे को लगता है वो जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था उसकी वजह से ही इन्होंने ये उस पोस्ट में चेंज कर दिया है, और ये इन्होंने नई डाल दी है एक पोस्ट एमए करके। और इसकी क्वालिफिकेशन की दोस्तों मेन बात है क्वालिफिकेशन की, इस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्वालिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगी। जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल ने इसका भी अपडेट निकाल लिया है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको बता दें ट्रेड्समैन मेड की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है, और 10th पास में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए। जी हाँ, जिसके पास 10th पास पड़ा है वो इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ ही साथ फायरमैन, तो फायरमैन में भी दोस्तों जिनके पास 10th पास है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये हम पूरा श्योर होके तो नहीं बोल सकते हैं फायरमैन के लिए, लेकिन 80% बिल्कुल श्योर है हम कि आपको 10th पास में ही फायरमैन में कोई भी आपको अदर सर्टिफिकेट नहीं लगाने की ज़रूरत है, फायरमैन में आप अप्लाई कर पाएंगे 80% हम रॉयल फौजी यूट्यूब की टीम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कह रही है, लेकिन 20% हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम फुल श्योर होकर नहीं कह सकते। लेकिन 80% जो है वो हम श्योर होकर कह रहे हैं कि 80% जो है आपका वो 10th पास में ही फायरमैन का भी अप्लाई होने वाला है। आगे हम बात करेंगे मटेरियल असिस्टेंट, जैसे कि एमए की इन्होंने पोस्ट का नाम दिया है, तो आपको इसमें बता दें तो इसमें जो है दोस्तों वो ग्रेजुएशन मांगी है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि जब तक फुल नोटिफिकेशन इनका नहीं आ जाता या अप्लाई होना शुरू नहीं हो जाते तब तक हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है, लेकिन 80% हमारी मतलब कि 80% हम बिल्कुल श्योर हैं कि आपसे ग्रेजुएशन इसमें मांगी जाएगी, और जिनके पास ग्रेजुएशन है वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें प्लस टू और जिन्होंने जियो के लिए अप्लाई करने की सोची थी तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होगी, लेकिन क्या पता जब तक फुल नोटिफिकेशन आए उसमें कुछ चेंज कर दें। हमें भी किसी बंदे ने बताया है तभी हम आपको वो अपडेट दे रहे हैं, और लेकिन जब तक फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर लेवल का काम चलता है ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि वो आजकल में कुछ चेंज कर दें। और मेन बात इनकी जो है दोस्तों कि ये अप्लाई कब से शुरू हो रहे हैं, तो
इसका भी हम 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आज आप लोग कह रहे होंगे कि 80% ही हर एक चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो आपको एक बार बता दें कि इसके जो ऑनलाइन अप्लाई होंगे दोस्तों वो हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से दिए हैं दोस्तों, जो हमें डेट मिली है वो 1 अक्टूबर की है कि 1 अक्टूबर से आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 21 अक्टूबर तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस डेट को ध्यान से सुन लें एक बार, क्योंकि शायद या तो वीडियो को रिपीट करनी पड़ेगी। 1 अक्टूबर से जो हमें डेट मिली है वो 1 अक्टूबर की है कि 1 अक्टूबर से जो है वो इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएंगे और 21 दिन का तक ये इसकी तो डेट आपने नीचे पढ़ सकते हैं कि 21 दिन का रहा है, लेकिन इन्होंने डेट को भी मेंशन नहीं किया है। तो जहाँ हमारे सूत्रों द्वारा पता चला है, तो 1 अक्टूबर से इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू करवा देंगे ये, और 21 दिन तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाले हैं। और एक और मेन बात तो आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि इसकी फीस चार्ज करनी पड़ेगी, तो नहीं दोस्तों, जिस तरह आप आर्मी का फॉर्म अप्लाई करते हैं बिल्कुल फ्री, उसी तरह ये बिल्कुल फ्री आपका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। ये भी एक आर्मी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ना आपको भर्ती देखने को मिलेगी और आपको सिविलियन में ही काम करना होगा और आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये अलग है, जैसे आप जीडी में अप्लाई करते हो तो उनकी साइट अलग से अप्लाई करने की है और इन सिविलियन के लिए उन्होंने अलग से साइट बना रखी है, लेकिन काम जो आपको आर्मी वालों के साथ करना पड़ेगा, लेकिन ये सिविलियन की पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ ही इन्होंने एक और चीज़ इसमें अपडेट की है, जैसे पिछली बार जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई थी उसके अंदर जो है दोस्तों वो आपको उन्होंने सेंटर बताए थे, एग्जामिनेशन सेंटर थे, लेकिन इस बार इन्होंने पोस्टें भी शो कर दी हैं कि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी निकल के आ रही हैं, कौन कौन से स्टेट में। तो सबसे पहले ईस्टर्न रीजन है, तो इसमें जो स्टेट आने वाले हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर के साथ साथ ही आपको बता दें तो इसमें जो मटेरियल असिस्टेंट एमए में जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो 10 है, फायरमैन में 69 है और ट्रेड्समैन मेट में 139 इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न रीजन की बात करेंगे तो इसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इसमें आपको स्टेट देखने को मिलेंगे। इसमें 120 जो एमए में पोस्ट निकल कर रही हैं, फायरमैन में 71 हैं, ट्रेड्समैन मेट में 430 इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। बात करें जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बारे में, जो कि नॉर्थन रीजन में आने वाला है, तो इसमें आपको बता दें इसमें आपको एमए में 23 पोस्ट देखने को मिलेंगी, फायरमैन में 119 है, ट्रेडमैन मेट में 181 आपको पोस्ट वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाली हैं। बात करेंगे साउथन की, तो साउथन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु स्टेट आने वाले हैं। इनमें जो एमए की पोस्ट है 32 है, फायरमैन में 111 है और ट्रेडमैन मेट में 200 है, इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। बात करेंगे साउथन वेस्ट के रीजन के बारे में, तो इसमें राजस्थान और गुजरात दो स्टेट आने वाले हैं। एमए में वैकेंसियों की बात करेंगे तो 23 एमए में आ रही हैं, फायरमैन में 89 है, ट्रेड्समैन में 164 इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली हैं। बात करेंगे सेंट्रल वेस्ट के बारे में, तो इसमें स्टेट जो आने वाले मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। एमए में बात करेंगे तो 185 इसमें वैकेंसी देखने को मिलेंगी, फायरमैन में 39 है, ट्रेड्समैन मेट में 66 है। बात करेंगे सेंट्रल ईस्ट के बारे में, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम इसमें आपको स्टेट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एमए की वैकेंसियों की बात करेंगे तो 26 हैं, फायरमैन की 46 है और ट्रेडमैन मेट में 63 इसमें आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली हैं। ये कुछ दोस्तों इसमें चेंज किया है इन्होंने, पिछली बार इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बताए थे और इस बार इन्होंने रीजन वाइज और स्टेट वाइज आपको वैकेंसियाँ भी शो कर दी हैं कि कौन से स्टेट में कितने, कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी हैं, कौन सी पोस्ट के लिए निकल के आ रही है, वो सारा अपडेट इन्होंने दे दिया है। इसमें एक और इन्होंने नीचे चीज़ लिखी है कि ये किसी भी कारण जो है वो रिक्रूटमेंट कैंसिल, पोस्टपोन्ड या टर्मिनेट या एनी रीजन बिना किसी भी स्टेट पे आप पहुंच गए होंगे, तो ये बिना किसी रीजन के कैंसिल भी इस रिक्रूटमेंट को कर सकते हैं, पोस्टपोन्ड भी कर सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, बिना किसी रीजन के इसके आप मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते ये कैंसिल क्यों हुई या ये इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नोट 1 में आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। इसी के साथ दोस्तों आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे हम, कि या तो आपने कहीं से सुना होगा या यूट्यूब में कहीं देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई है कि एओसी की जो रिक्रूटमेंट है वो भी अब 4 साल के तहत होने वाली है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अग्निवीर के तहत ही अभी तक नहीं होने वाली, अभी तक क्या पता कि 1-2 दिन में अगर फुल नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो उसमें ये अपडेट कर दें, लेकिन जहाँ तक हमने अपने सूत्रों द्वारा निकाला है तो रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल की तरफ से यही अपडेट निकल के आया है कि ये आपके 60 साल तक आपका जो जॉब रहने वाली है, अग्निवीर के तहत आपकी ये रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली,
और ये हम 80% इसमें भी हम श्योर हैं, लेकिन 20% हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि क्या पता वो कल को जब फुल नोटिफिकेशन गए तो उसमें ये अपडेट कर दें, लेकिन जहाँ तक अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से और अपने अपडेट के हिसाब से हम कह रहे हैं तो 80% बिल्कुल श्योर है कि आपकी 60 साल तक जो है वो नौकरी होने वाली है या अग्निवीर के तहत नहीं होने वाली। एक और ये बड़ा अपडेट था। इसी के साथ एक और अपडेट आपको देने वाला हूँ कि ये जो आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होने वाली, मतलब कि जैसे रहते हैं 1-2 साल के लिए निकाल लेते हैं, जैसे आप उन्हें आपको एक पहले भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी जिसमें 176 डे या ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, जितने दिन के लिए रखे भी निकाल देंगे, तो ये ऐसा नहीं है। ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे ही आपको रखने वाले हैं, मतलब 60 साल तक आपकी नौकरी चलेगी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है इसका, ये बिल्कुल परमानेंट वाली नौकरी है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको कहीं पता नहीं चलता है अदरवाइज, तो आप रॉयल फौजी यूट्यूब की चैनल पे या तो कमेंट करके वीडियो कमेंट बॉक्स में जाए, वहाँ पे कमेंट करें अगर जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं लगता है, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएं, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जिसमें डायरेक्ट मैसेज करके लिखा है, तो वहाँ पे जाकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे इसका अपडेट हमने दिन का ही दे दिया है कि ये वाली रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, इसका ये अपडेट है और ये इतने दिन से अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन वीडियो हमने बाद में बना रहे हैं इसके लिए सॉरी। लेकिन आपको अगर फास्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसके ऊपर हम पल पल के अपडेट देते रहते हैं। और जो भी अदर रिक्रूटमेंट आर्मी के छोड़ के कोई अदर पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसका अपडेट हम डाल देते हैं, विद नोटिफिकेशन डालते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम सॉरी ग्रुप नहीं चैनल पे, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप पे आप हमें इंटरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं और चैनल पे आपको नई नई जो अपडेट आते हैं उनका अपडेट आप नई नई भर्तियों का अपडेट आप पा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ जानकारी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको पता नहीं चला है तो आप हमें मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ये थी आज की कुछ जानकारी। अगर आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों तक भी पहुँचा दें जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसी वीडियो आपको और भी बहुत सारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है, तो जोर से रॉयल फौजी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमने हाल ही में अभी ये वीडियो बनाना शुरू की है, तो जोर से हमें सपोर्ट करें। अब लेते हैं हम आपसे विदा, मिलेंगे किसी कैसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।